हेलो गाइस, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। तो गाइस, हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, स्टाफ नर्स की वैकेंसी आई है, रेलवे रिक्रूटमेंट जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसके अंदर, तो नोटिफिकेशन हम आपको ऑफिशियल अभी आपको बताएंगे कैसी वैकेंसी है, कितना आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है, क्या सैलरी मिलेगी और कैसे आपको अप्लाई करना है। सारी डिटेल जानने के लिए वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। चैनल पर यदि आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, ये जो वैकेंसी है, जो नोटिफिकेशन है पैरामेडिकल ग्रुप सी, कोविड जो 19 चल रहा है उसके पेंडेमिक के अंडर जो है सेंट्रल हॉस्पिटल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर की वैकेंसी है। तो ऑल इंडिया इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। पोस्ट है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की, 8 पोस्ट रहने वाली हैं। एज लिमिट से आप 20 साल से 40 साल के मध्य हो तो अप्लाई कर सकेंगे। और मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नर्स मिडवाइफरी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग की है, उसके अंदर यदि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग आईसीयू केस और वेंटिलेटर का, यदि आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो भी आप वहाँ पे लगा सकेंगे। फार्मासिस्ट की भी पोस्ट हैं, ओटी असिस्टेंट की भी पोस्ट रहने वाली है, 4 फार्मासिस्ट की 4 पोस्ट है। तो अब बात कर लेंगे आपको कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना रहने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है जो आपका टेम्परेरी 1 मंथ का इसमें बताया गया है, बट एक्सटेंड भी हो सकता है, आगे बढ़ाया भी जा सकता है। अब नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की जो मंथली सैलरी है वो 44,900 रुपये जो लेवल 7th के अकॉर्डिंग सीपीसी के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है, उसके साथ अलाउंस भी मिलेंगे। ओटी असिस्टेंट फार्मासिस्ट में भी आप देख सकते हैं, और वेन्यू है जो आपका इंटरव्यू का, कहाँ रहने वाला है, कैसे आपको अप्लाई करना है। वेन्यू है ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल सी पर्सनल ऑफिसर 2nd फ्लोर रेल सदन जो चंद्रशेखरपुर भुवनेश्वर, यहाँ पे आपका वेन्यू रहने वाला है। डेट है वेन्यू की 6 अप्रैल 2020 मंडे को, टाइम सुबह 10 बजे। तो कैंडिडेट आर एडवाइज टू रिपोर्ट द वेन्यू 9:30 पर, आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना है। रजिस्ट्रेशन के लिए और डॉक्यूमेंट है 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, आगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डिप्लोमा मार्कशीट वगैरह सब जो ले जाना है, बर्थ सर्टिफिकेट ले जाना है, डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट है वो, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बाकी ऑल डॉक्यूमेंट जो आपके नर्सिंग में हैं सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में ले जाना है। ले जाके ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है, इसको निकलवा लेना है, इसको आसानी से आप भर के फिर वहाँ पे आपको जो है 9:30 पर 6 तारीख को सुबह 10 बजे आपको 10 बजे से पहले, मतलब 9:30 पर आपको प्रेजेंट होना है। वहाँ प्रेजेंट होने पर आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, ये जो फॉर्मेट है वो भर के आप सभी डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ पहुँच जाए। तो ये वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए दोस्तों। वीडियो पसंद आया है आपको, यदि पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू गाइज़।